खबर सीकर के फतेहपुर से, जहां पर स्कूलों में चोरी करने के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी झुंझुनू के रहने वाले हैं, जिन्होंने 8 थाना क्षेत्रों में 80 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने करीब 2 करोड़ रुपए के माल पर हाथ साफ किया। वहीं इसी बीच चोरी का माल बेचते पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार बदमाशों का टारगेट सरकारी स्कूल में रखी अक्षय पेटिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। थाने पे सूचना मिली थी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कोई चोरी के जेवरात बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, और उन्होंने सूचना को डेवलप किया अपनी टीम के साथ, और उसी का पीछा करते हुए उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो हैं एक प्यारेलाल, अशोक, मनोज और लखेसर। ये मंडावा और नवलगढ़ के रहने वाले हैं, और इनको गिरफ्तार करने के बाद में इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने सुने मकानों में और स्कूलों के अंदर करीब 60 मतलब 5 दर्जन चोरियां करना और नकब देने करना उन्होंने स्वीकार किया।